फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रीसा विजुअल आर्ट गैलरी। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर से पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट की जो क्वेश्चन पेपर थे उनके सारे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया था, जो आज भी मैं आपके साथ उस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगी। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे सेक्शन बी है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ 51 क्वेश्चन से, और इसके पहले की जो वीडियो मैंने आपके से डिस्कस किया था वो सेक्शन ए, उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी से क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। आई होप वो वाली वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है उस वीडियो को देख लिए, उसमें सेक्शन ए में 50 क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ड्राइंग एंड पेंटिंग यानी कि सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो सेक्शन बी में दिया हुआ था 50 क्वेश्चन यानी 51 से 100 क्वेश्चन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। 51 क्वेश्चन है, पेंटिंग के परिदृश्य में एंटी सर्न से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है चित्रधार की सीमा रेखा, चित्रकला माध्यम, तूलिका की बनावट, चित्र शैली। तो इसका राइट आंसर है ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्रधार की सीमा रेखा यानी आउटलाइन ऑफ पेंटिंग सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला का वह कौन एक अजीब तत्व है जिससे चित्र में धरातल के गुण की अनुभूति होती है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा टेक्सचर यानी पोत, बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये फाइन आर्ट के सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और फिर जिन लोगों ने पीएचडी का एग्ज़ाम दिया है वो अपने क्वेश्चंस को देख सकते हैं कितने क्वेश्चन उनके सही हुए हैं, और जो लोग नेट की तैयारी, नेट जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ एस्थेटिक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अरस्तु, बॉमगार्टन, सोक्रेटिस, वात्स्यायन। तो फ्रेंड्स, ये सभी लोगों को पता होगा कि फादर ऑफ एस्थेटिक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है बॉमगार्टन को, यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स इन सारे क्वेश्चन में मैं केवल आपको अभी राइट आंसर बताऊंगी और इसके बाद की जो मैं वीडियो लेकर आऊंगी उसमें हर एक ऑप्शंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए। फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रोंतास तकनीक से क्या प्राप्त कर सकते हैं? ऑप्शन है पोत निर्माण, धूमिल प्रभाव, चमकीला प्रभाव, खुदी नक्काशी प्रभाव। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पोत निर्माण यानी कि टेक्सचर फॉर्मेट, ये फर्स्ट इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के जनक कौन है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ध्वनि सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो है आनंद वर्धन, सी इज द राइट आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन छापाकार नहीं है? ऑप्शन है रेम्ब्रांट, विलियम ब्लैक, पाब्लो पिकासो, थियोडोर ज़ेरिकार्ड। तो फ्रेंड्स, ये आप सभी को पता होगा कि रेम्ब्रांट जो हैं वो छापाकार हैं, विलियम ब्लैक भी छापाकार हैं, पाब्लो पिकासो भी हैं प्रिंट मेकर, देन ये लास्ट है थियोडोर ज़ेरिकार्ड, ये प्रिंट मेकर नहीं है। और फ्रेंड्स, ये जो थियोडोर ज़ेरिकार्ड हैं ये मुख्य रूप से रोमांसवाद के कलाकार माने जाते हैं। रोमांसवाद में तीन प्रसिद्ध कलाकार हैं, थियोडोर ज़ेरिकार्ड, युगेन दिलाक्रा और फ्रांसिस्को दी गोया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संग्रहालय का नाम बताएं जहां कुषाणकालीन मूर्तियों का वृहद संकलन है। ऑप्शन है राजकीय संग्रहालय मथुरा, नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली, इंडियन म्यूजियम कलकत्ता, छत्रपति शिवाजी वास्तु संग्रहालय मुंबई। तो इसका राइट आंसर है ए, राजकीय संग्रहालय मथुरा, क्योंकि क्लियर ही दिख रहा है कि कुषाण काल में दो ही प्रमुख केंद्र हैं, मथुरा और गांधार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान मुख्यमंत्रियों में कौन चित्रकला भावतिरेक संपन्न है? तो इसका राइट आंसर है, इसमें पहले मैं ऑप्शन पढ़ लेती हूँ। ऑप्शन है प्रमोद सावंत, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, उद्धव ठाकरे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ममता बनर्जी, बी इज द राइट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, शहर का नाम बताइए जहां आधुनिक कला की राष्ट्रीय गैलरी स्थित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता, क्योंकि फ्रेंड्स नई दिल्ली में आधुनिक राष्ट्रीय कला की गैलरी है, आधुनिक कला की राष्ट्रीय गैलरी जिसे हम कहते हैं नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ये बेंगलुरु में है, क्योंकि इसके दो हैं केंद्र, नई दिल्ली और बेंगलुरु, साथ में ही
क्या है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट मुंबई में भी है लेकिन कलकत्ता में नहीं है। तो उसमें नहीं का क्वेश्चन पूछा था, तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय चित्रकला में सिएना का महान कलाकार कौन था? ऑप्शन है सिमाबू, जो चिमाबू के भी नाम से कभी कभी ये वर्ड भी लिख के आ जाता है चिमाबू, तो कन्फ्यूज़ मत होइए, ये चिमाबू ही हैं। सिमाबू, ज्योतो, ड्यूसियो, साइमन मार्टिन। तो इसका राइट आंसर है सी, ड्यूसियो, जो कहलाते हैं सिएना के कलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन सौंदर्य के अधीन प्रिज्मेटोलॉजी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है रंगों का समाजशास्त्र, रंगों का रचना विज्ञान, रंगों का मनोविज्ञान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, रंगों का मनोविज्ञान, यानी साइकोलॉजी ऑफ कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु ने कला के परिभाषित विमर्श में कौन से तत्व को महत्व दिया? ऑप्शन है सत्यानुकृति, अचेतनीय भूमिका, अनुकरण परिकल्पना, प्रभाव की अभिव्यक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुकरण परिकल्पना, यानी थ्योरी ऑफ इमिटेशन। फ्रेंड्स, कभी भी अगर हिंदी नहीं समझ में आया तो आप इंग्लिश को जरूर देखें, इंग्लिश को देख के आप तुरंत जान जाएंगे कि जो अरस्तु का जो उन्होंने बताया है कि कौन से तत्व का महत्व इन्होंने दिया है कला में, तो तुरंत आप इंग्लिश को देख के समझ जाएंगे थ्योरी ऑफ इमिटेशन, क्योंकि थ्योरी ऑफ इमिटेशन नेट के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जो किसका है, अरस्तु का, और हिंदी में दिया है अनुकरण परिकल्पना। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखें, क्योंकि दोनों में पता होना चाहिए, कभी इंग्लिश में भी क्वेश्चन पूछ लेता है और कभी हिंदी में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ों पर की जाने वाली चित्रकारी में कौन से रंग सामान्यतः प्रयुक्त किए जाते हैं? ऑप्शन है एक्रेलिक रंग, तैल रंग, पोस्टर रंग, जल रंग। इसका राइट आंसर है ए, एक्रेलिक रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेस्को बोनो पद्धति में लाइफ ऑफ मेडिएवल सेंट्स किसने चित्रित किया? ऑप्शन है राजा रवि वर्मा, विनोद बिहारी मुखर्जी, आर एन टैगोर यानी रविन्द्रनाथ टैगोर, ए एन टैगोर, अमरिंद्रनाथ टैगोर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विनोद बिहारी मुखर्जी। ये भी क्वेश्चन नेट के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृहद आकार का मात्र श्वेत एवं श्याम वर्ण में बना चित्र क्या है? ऑप्शन है एक वर्णीय यानी कि मोनोक्रोमेटिक, बहुवर्णीय, पॉलीक्रोमेटिक, वर्ण शून्य यानी कि एक्रोमेटिक, देन लास्ट है नॉन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वर्ण शून्य यानी कि एक्रोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? ऑप्शन है अजंता गुड़िया संग्रहालय, सांची प्रसिद्ध स्तूप, खजुराहो ललित कला विश्वविद्यालय, एलोरा प्रसिद्ध चर्च। तो फ्रेंड्स, ये आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि अजंता कोई मेल नहीं है गुड़िया संग्रहालय का, सांची स्तूप प्रसिद्ध स्तूप, फिर खजुराहो ललित कला विश्वविद्यालय और एलोरा प्रसिद्ध चर्च। तो इन तीनों का मेल नहीं है यहाँ पे, यहाँ मेल किसका है, सांची यानी कि प्रसिद्ध स्तूप, यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है यह किसका कथन है? ऑप्शन है हिगेल, इमर्सन, ब्रेंट पीके, शोपेनहावर। इसका राइट आंसर है बी, इमर्सन का। इमर्सन ने ही कहा था सौंदर्य भगवान का हस्त लेख है। फ्रेंड्स, और ये भी एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि फ्रेंड्स में जितने भी क्वेश्चन हैं वो नेट बेस के ही पूछे गए हैं, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन हैं वो पूरा नेट के सिलेबस से आया है, यानी कि पूरा बेस किसको लिया गया है, नेट के एग्जाम को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से राज्य में प्रसिद्ध बादामी गुफाएं अवस्थित हैं? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर है डी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, इनमें से कौन यूरोप के पुनर्जागरण काल का चित्रकार नहीं है? ऑप्शन है राफेल सेंजियो, लियोनार्डो दा विंची, फर्नैंड लीगर, माइकल एंजिलो। तो साफ साफ आपको दिख रहा है यहाँ पे कि कौन ऐसे कलाकार हैं जो यूरोपीय पुनर्जागरण काल के नहीं हैं। तो इसका राइट आंसर है सी, फर्नैंड लीगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समकला के युग में कलकत्ता स्कूल की स्थापना किसने की?
ऑप्शन है रामकिंकर बैज, रथिन मित्र, परितोष सेन, नीरद मजूमदार। इसका राइट आंसर है सी, परितोष सेन, यानी सी इज द राइट आंसर। इन्होंने ही कलकत्ता स्कूल की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय काव्य महाभारत में प्रथम भारतीय महिला चित्रकार के रूप में किसका नाम आता है? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको ज़रूर नोट करिए। ऑप्शन है चारुलता, दिव्यानी, चित्रलेखा, चित्रप्रिया। इसका राइट आंसर है बी, दिव्यानी, जिन्होंने क्या किया था, भारतीय काव्य महाभारत में प्रथम भारतीय महिला चित्रकार के रूप में नाम आता है किसका, दिव्यानी का। बी इज द राइट आंसर। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, भविष्यवाद आंदोलन का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली। इसका राइट आंसर है डी, इटली। नेक्स्ट है, यह कौन से वैज्ञानिक की उक्ति है, रंगों का जन्मदाता स्वयं प्रकाश? ऑप्शन है सर आइजैक न्यूटन, आइंस्टीन, ओस्टवाल्ड, एडिसन। तो इसका राइट आंसर है ए, सर आइजैक न्यूटन। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पेस्टल माध्यम की प्रकृति क्या है? ऑप्शन है नम माध्यम यानी कि ह्यूमिड मीडियम, शुष्क माध्यम ड्राई मीडियम, अर्धनम माध्यम यानी कि सेमी ड्राई, तरल माध्यम यानी कि लिक्विड मीडियम। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ड्राई मीडियम यानी कि शुष्क माध्यम। क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी लोगों को पता होगा कि पेस्टल माध्यम यानी कि पेस्टल कलर कैसा होता है, वो ड्राई होता है। नेक्स्ट है, पहाड़ी चित्रकला पर किए गए शोध कार्यों का श्रेय कौन से कला विद्वान को दिया जाता है? ऑप्शन है डॉक्टर मोतीचंद्र, स्टेला क्रैमरिश, राय कृष्णदास, एम एस रंधावा। तो इसका राइट आंसर है डी, एम एस रंधावा, डी इज द राइट आंसर। वह कौन सा धर्म है जहां अष्टपदी मार्ग के सिद्धांत पर बल दिया गया है? ऑप्शन है बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म। तो इसका राइट आंसर है ए, बौद्ध धर्म। क्योंकि फ्रेंड्स बौद्ध धर्म में ही अष्टपदी मार्ग के सिद्धांत पर बल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल मोहनजोदड़ो कौन से नगर के समीप हैं? ऑप्शन है काबुल, सिंध, कराची, मुल्तान। तो इसका राइट आंसर है सी, कराची। और फ्रेंड्स ये टीजीटी पीएचटी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन टीजीटी पीएचटी में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो इसको आप बिल्कुल माइंड में रखिए कि मोहनजोदड़ो किस नगर के समीप है, तो ये कराची के समीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकनीकी दृष्टिकोण से पुनर्जागरण काल में ए एन टैगोर की क्या देन थी? ऑप्शन है तैल चित्रण, मिश्र रंग माध्यम, वॉश चित्रण, पेस्टल चित्रण। तो फ्रेंड्स ये सभी लोगों को पता होगा कि पुनर्जागरण काल यानी कि बंगाल शैली में अवनींद्रनाथ टैगोर का मुख्य रूप से क्या देन था? तो उनका मुख्य रूप से देन था वॉश चित्रण यानी कि वॉश पेंटिंग। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चित्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबल पुरस्कार कौन से वर्ष में मिला? ऑप्शन है 1913, 1935, 1901, 1947। तो इसका राइट आंसर है ए, 1913। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गुफा में जैन धर्म के प्रारंभिक मूर्तियां उपलब्ध हैं? एलोरा, शीतलवासन, बाघ, बदामी। इसका राइट आंसर है ए, एलोरा। नेक्स्ट है, टाइपोग्राफी का प्राथमिक सामान क्या है? ऑप्शन है ऑयल ब्रश, ईजेल, पैलेट नाइफ, रोटरी पेन। और यहाँ पे नाइफ लिखा हुआ, ये क्या है, पैलेट नाइफ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रोटरी पेन, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाज माध्यम को सर्वप्रथम किसने अपनाया? ऑप्शन है सेजान और वॉन गॉग, मोने और माने, रूबेंस और ब्रूगेल, पिकासो और ब्रॉक। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पिकासो और ब्रॉक। क्योंकि फ्रेंड्स कोलाज माध्यम का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने ही किया।
इसलिए क्योंकि कोलाज का प्रयोग सबसे पहले किस वाद में हुआ है, तो वो हुआ है घनवाद में यानी क्यूबिज्म में, और घनवाद के ही प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं पिकासो और ब्रो। नेक्स्ट है, एक त्रिआयामी चित्र की छवि कहाँ अनुभव की जा सकती है? ऑप्शन है वॉश पेंटिंग में, लिथोग्राफ में, रेखा चित्र में, इम्पेस्टो में। तो फ्रेंड्स, इम्पेस्टो ऐसा माध्यम है जहाँ पे त्रिआयामी छवि का आभास हम कर सकते हैं। इम्पेस्टो यानी कि रंगों को मोटा मोटा लगाना। नेक्स्ट है, सीसी इकाई माप किसके लिए है? ऑप्शन है इंटरनेट विज्ञापन, रेडियो विज्ञापन, आउटडोर विज्ञापन, न्यूज़पेपर विज्ञापन। तो इसका राइट आंसर है डी, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस चित्रकार का नाम बताओ जिसने मुंबई में लिथोग्राफ प्रेस स्थापित किया। ऑप्शन है एन एस बेंद्रे, रजा रवि वर्मा, एम एन सूजा, एम आचरेकर। तो इसका राइट आंसर है बी यानी राजा रवि वर्मा, क्योंकि फ्रेंड्स राजा रवि वर्मा ने ही मुंबई के घाटकोपर में सर 1894 ईस्वी में लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की थी। यह भी एग्जाम में नेट के पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बताते हुए चल रही हूँ कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय लोक कला में कौन से तत्व प्रधानता नहीं है? ऑप्शन है नव्य, तर्क, सृजनशीलता, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें मॉडर्न भी आ जाएगा, लॉजिक भी आ जाएगा और क्रिएटिव भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, संयोजन की दृष्टि से किसने स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का विकास किया यानी प्रिंसिपल ऑफ गोल्डन सेक्शन। ऑप्शन है यूनान, जापान, चीन, भारत। इसका राइट आंसर है ए, यूनान ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंग्विन क्या है, व्हाट इज सैंग्विन? ऑप्शन है चारकोल की छाया, रंगीन पेंसिल, मिश्रित माध्यम, रेखांकन का लाल चौक। इसका राइट आंसर है डी, रेखांकन का लाल चौक। नेक्स्ट है, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट के रचयिता कौन है? ऑप्शन है आई ए रिचर्ड, सुजान लैंगर, हर्बर्ट रीड, आर जी कलिंगवुड। ये भी नेट के क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है आर जी कलिंगवुड। नेक्स्ट है, सौंदर्य उद्देश्य विहीन स्वदेश्यता है किसकी उक्ति है? ऑप्शन है क्रोचे, कांट, हिगेल, पाइथागोरस। इसका राइट आंसर है बी, कांट। कांट ने ही कहा है सौंदर्य उद्देश्य विहीन स्वदेश्यता है। नेक्स्ट है, धीमान और वित्तपाल कहाँ के प्रसिद्ध कलाकार यानी कि प्रमुख कलाकार हैं? ऑप्शन है गुजरात शैली, पाल शैली, पहाड़ी शैली, राजस्थानी शैली। राइट आंसर है बी, पाल शैली। पाल शैली के ही प्रसिद्ध दो कलाकार माने जाते थे धीमान और वित्तपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचित्र ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता कहाँ उपलब्ध है? ऑप्शन है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन, कैब्रिज संग्रहालय लंदन, बेंड्रियन बर्ग संग्रहालय जर्मनी। इसका राइट आंसर है ए, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल। नेक्स्ट है, देव आकृतियों के शिरश चक्र किसके प्रतीक हैं? ऑप्शन है सूर्य, चंद्रमा, अग्नि चक्र, सुदर्शन चक्र। इसका राइट आंसर है ए, सूर्य इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्राचीन शास्त्र में कलाओं की संख्या 64 बताई गई? ऑप्शन है कौशितिकी, ब्राह्मण, अष्टाध्यायी, नाट्यशास्त्र, कामसूत्र। तो राइट आंसर है डी, कामसूत्र। कामसूत्र में ही 64 कलाओं का वर्णन बताया गया है। नेक्स्ट है 95, प्राणनाथ मागो ने कौन से कलाकार समूह की स्थापना की? ऑप्शन है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, चोलमंडल, दिल्ली शिल्पी चक्र, बड़ौदा स्कूल ऑफ आर्ट। इसका राइट आंसर है सी, दिल्ली शिल्पी चक्र। नेक्स्ट है, ग्राफिक्स के प्रयोगार्थ उपयुक्त सॉफ्टवेयर क्या हैं? एमएस वर्ड, पेज मेकर, एमएस पावर पॉइंट, कोरल ड्रा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कोरल ड्रा। और फ्रेंड्स, ये भी नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है।
नेक्स्ट है, कौन से वर्ष में कंप्यूटर कला प्रकट हुई? ऑप्शन है 1950, 1969 यानी 1969 और 1975, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है फर्स्ट यानी ए 1950। नेक्स्ट है, वर्तमान में फिल्म प्रमाणीकरण के केंद्रीय मंडल के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है पहलाज निहालानी, आशा पारे, प्रसून जोशी, लीला सैमसन। इसका राइट आंसर है सी प्रसून जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में संस्कृत विभाग के मंत्री कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी जी किशन रेड्डी, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में संस्कृत विभाग के मंत्री माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय आधुनिक चित्रकला में अत्यंत लोकप्रिय चित्र चीक यानी द स्क्रीम के चित्रकार कौन है? ऑप्शन है जेम्स एंसर, विंसेंट वॉन गॉग, पाब्लो पिकासो, एडवर्ड मुंक। इसका राइट आंसर है डी एडवर्ड मुंक। और फ्रेंड्स, ये नेट के एग्जाम में इतनी बार पूछा गया है कि ये आपको बिल्कुल रट गया होगा कि द स्क्रीम जो है वो किसकी पेंटिंग है, वो एडवर्ड मुंक की। तो फ्रेंड्स, ये रहे कुछ 50 क्वेश्चंस जो पीएसडी के एग्ज़ाम में पूछा गया था। आई होप ये काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा आपको, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे इसकी पहले वाली वीडियो फर्स्ट पेपर की नहीं देखी है, वो ज़रूर देख लें। और फ्रेंड्स, ऐसे ही मेरे चैनल में बने रहिए, क्योंकि मैं ऐसे ही काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आती रहूँगी, और जितने भी क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो में बने रहें। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी सॉल्व कराऊंगी, और कोशिश करूंगी कि डेली मैं आपके लिए वीडियो ला सकूं। तो फ्रेंड्स, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं इसलिए आपसे बार बार इसलिए कहती हूँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी जितनी भी नोटिफिकेशन आएगी वो टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे, जिससे आपकी एक भी वीडियो मिस नहीं होगी। और फ्रेंड्स, जिन लोगों को भी इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ की ज़रूरत है और इसकी आंसर की भी, तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है श्रीसा विजुअल आर्ट गैलरी, और इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो वहाँ पे भी जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें आपको मिलेंगी, उसमें मैंने कुछ नेट के इंपॉर्टेंट नोट्स की भी पीडीएफ डाल रखी है, क्वेश्चन पेपर की भी डाल रखी है। तो ये सारी भी क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ पे प्लस आपको साथ में आंसर की भी मिल जाएगा, तो उससे आपकी तैयारी और अच्छी होगी, काफी स्ट्रांग होगी। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।